कांग्रेस के लिए वोट मांगने आए पंजाबी गायक रंजीत बावा, खर्चे की लिमिट 3 लाख रखी गई इलेक्शन कमिश्नर द्वारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं अंकिता सिंह। नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रत्येक पार्टी की तरह पूरी तरह जोर लगाया जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की हिदायतों को भूल कर चुनावों में जोर लगाया जा रहा है। इलेक्शन कमिश्नर ने नगर निगम के चुनाव में हर एक उम्मीदवार के लिए खर्चे की लिमिट 3 लाख तक रखी है, लेकिन पालन कौन करेगा या पंजाब सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करता है। मामला बटाला के नगर निगम चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 10 से कांग्रेस उम्मीदवार डिप्टी वोरा और पीए रंजीत बावा के चुनाव प्रचार में पहुंचे पंजाबी गायक रंजीत बावा, जो पत्रकारों के कैमरे से भी भागते नजर आए। उम्मीदवार ने बावा को अपना छोटा भाई बोलकर पल्ला झाड़ दिया। वोरा ने बताया कि रंजीत बावा उसका छोटा भाई है, उसने किसी भी तरह से इलेक्शन कमीशन की हिदायतों की उल्लंघना नहीं की। बावा सिर्फ भाई के तौर पर बटाला आया है, अगर मेरे द्वारा कुछ गलत हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार होऊंगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। पहला तो मैं दसदा कि ये सब कुछ तो मैं हिसाब किताब है नहीं, मेरा काम गाना है। भाजी नाल अंकल मेरे सानू इकट्ठे हुए 15 साल हो गए। जदों का मैं छोटा सी, तुसीं मैनू जानदे हो, बहुत बच्चा सी जद मैं अंकल होना दे रैलियां च, अंकल होना दे प्रोग्रामां च अंकल होने नाल गाया। और अज भाजी नू ये सेवा अंकल होना ने लाई है, तो साढ़े लिए बहुत माण वाली गल। मैं चाहूँगा कि तुसीं सारे इन्होंने इस एरिए रह के तुहाडे सारयां दा जिहड़ा प्यार लिया, और तुसीं इन्हां दा साथ दो, क्योंकि चंगे लीडर चंगे लोग जो अगे आने तो समाज का जोड़ा विकास होना बहुत जरूरी है। और बटाले नू बहुत लोड़ है इस सब की, तो बहुत बहुत थैंक्स अंकल का। और मैं चाहूँगा कि तुम डिप्टी भाजी इन्हों पर विश्वास करो और इन्हों पर अपना हाथ बनाई रखियो, प्यार बनाई रखियो, और इन्हों अपना सहयोग दो। तुम सारे सियाने हो, और जी वोट होंगी है, वोट बहुत सब तो महंगी चीज़ दुनिया से वोट गिनी जाती है। जो तुम सही जगह का इस्तेमाल करते हो तो फिर तुम्हें यदा रिजल्ट भी चंगा मिलता, और इनू अपनी सही जगह वोट का इस्तेमाल करो। तो बहुत बहुत मुबारक डिप्टी भाजी, बहुत बहुत थैंक्स अंकल का, SSP साहब साढ़े बहुत सत्कारयोग, और जिन्हें भी इतने शख्सियत स्टेज पर विराजमान मैं सारे का तय दिल शुक्रगुजार हूँ। तो सुख तेज भाजी सारे बहुत धन्यवाद, और चढ़ती कला चलाओ तुम सारे, और डिप्टी भाजी प्यार बनाई रखियो। थैंक यू सो मच जी। देखो वार्ड नंबर 10 का मैं कांग्रेस वजो नुमाइंदा चुनिया गया, मैं हाईकमान का तहल वो धनवादी हाँ। इस दे संबंध में अज एक मैं तो छोटी नुक्कड़ मीटिंग की, पर वो एक तो बहुत विशाल रैली का रूप धार लिया गया। बस मैं एक दो चीज़ा कहनिया चाहना जी, मैं सिर्फ तो सिर्फ सेवा करन दे मकसद लई पॉलिटिक्स आया, होर मेरा कोई मकसद नहीं है। हाँ अज लोकां दा प्यार देख के मेरे मैं खुद ते कंट्रोल नहीं सी कर पा रहा, कि मैनू अज महसूस होया कि मैं लोकां लई कुछ कीता जी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਸੱਦਣਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਏ ਫਰੈਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਜਟ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 15-20 ਸਾਲ ਲੋਇਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬਲ ਹੈ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੇਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਔਰ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਇਲ ਆ,
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਲਾਇਲ ਰਹੇਗਾ ਜੀ।